नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सेशन 2022 ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 2022 के लिए, चाहे वो फ्रेश एप्लीकेंट की बात करें, रिन्यूअल एप्लीकेंट की बात करें, तो काफ़ी गुड न्यूज़ है तमाम स्टूडेंट के लिए। फाइनली जो अमाउंट आपकी होती है PFMS के थ्रू जो आपका अमाउंट मिलती है, उसका जो टोकन नंबर है फाइनली जनरेट हो गया है। आपको कैसे चेक करना है और कब तक आपके अमाउंट आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसी अपडेट्स आपको प्रोवाइड होते रहते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली आपको NSP की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.gov.in की वेबसाइट पर आना है। आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था 2022-2023 के सेशन में, तो नॉर्मली आपको फ्रेश एप्लीकेशन पे जाना है। और अगर आप अपने प्रीवियस ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिली है और रिन्यूअल एप्लीकेंट हो, तो आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन पे जाना है। फिलहाल के लिए मैं रिन्यूअल एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि उनका जो अमाउंट है, PFMS टोकन नंबर किस प्रकार से आपको मिलता है। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो नॉर्मली आपको फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। और अगर आपका पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर अपना पासवर्ड गेन कर सकते हैं। नॉर्मली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप करोगे, कुछ नया इंटरफेस यहाँ पर खुलेगा। फिलहाल के लिए मैं आप को दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। ध्यान देना स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आप जब भरोगे तभी जाके आपका लॉगिन यहाँ पे होगा। लॉगिन करने के बाद जितने भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट दिखा रहा होगा, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज स्टूडेंट जिनका ये यहाँ पे जो स्टेटस है PFMS फॉर पेमेंट दिखा रहा है। तो इन स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके जो स्कॉलरशिप अमाउंट है जल्द से जल्द आपको मिलने वाली है। जो मिलने के एक्सपेक्टेड डेट में कह सकता हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट मंथ अप्रैल मिड या लास्ट में आपको जो स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, जो पर्टिकुलर जिस स्टूडेंट का मैंने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट का टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इसके रिगार्डिंग भी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप अपने टोकन नंबर से देख सकते हैं कि आपको आपकी जो अमाउंट है आपके अकाउंट में पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ये सारी चीज़ें मैं आज से आने वाले दिनों में इसके रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे हमें पता चले कि हमें पर्टिकुलर कोर्स में कितने अमाउंट मिल रही है, उसके रिगार्डिंग में हमने वीडियोस डाली है, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होगा जिनका अभी तक जो एप्लीकेशन स्टेटस है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर वेरीफाई दिखा रहा होगा। तो डोंट बी पैनिक स्टूडेंट, आपकी जो स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है PFMS के रिगार्डिंग जल्द से जल्द आपको दिख जाएगा। मिड अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका स्टेटस दिख जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रही होगी। अनदर क्वेरी आपकी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए मेरा चैनल अपडेट बाय नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।